वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है एफई 0.940 है, एफईओ नहीं है, ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड है और ये एफई 3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है इस कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास एम है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एफई 0.940 पूछा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा ये जो एफई 0.940 है ना, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसमें है, O2 माइनस के तरीके से, और इसमें आयरन भी है, बट आयरन दो फॉर्म में है Fe3 प्लस और Fe2 प्लस, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन है। इन दोनों का समेशन जो है 0.94 है और ऑक्सीजन कितना है 1 मोल है, तो ऑक्सीजन इज 1 मोल, O एटम 1 मोल है, ये दोनों मिलाकर 0.94 है। तो हम लोग बोलेंगे ये लेट्स से हमारा x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.94 माइनस x होना चाहिए ऐसा ही। अब हम लोग पता करेंगे कि x कितना है, कैसे करेंगे, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव कितना है 3x, x इंटू 3 पॉजिटिव प्लस 2 इंटू 0.94 माइनस x, ये हुआ, ये क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव कितना है 2 इंटू 1 मोल, तो दिस इज 2 इंटू 1। अब सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा x, तो आया x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 0.94 करके देख लीजिए, यही आ रहा है। अब सिंपल है, तो x हो जाएगा आपका 0.12, x कितना हो गया 0.12 हो गया। तो अब हम लोग क्या बोल सकते, अब हम लोग बोल सकते हैं कि आयरन 3 प्लस, इसके अंदर कौन है आयरन 3 प्लस है, कितना है आयरन 3 प्लस 0.12, इसके अंदर कौन है आयरन 2 प्लस भी है, ऑक्सीजन है उसको अभी सोच नहीं रहे उसके बारे में, एफई 2 प्लस कितना दिस माइनस x, सॉल्व कीजिए आएगा 0.82 और ऑक्सीजन अपना 2 माइनस है 1, ऑक्सीजन को फोकस अब नहीं करेंगे। अब देखो कहता है ये ऑक्सीडाइज हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ एफई 3 प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो एफई 3 प्लस इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये तो पहले से इसी फॉर्म में था, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो ये वाला पार्ट जो है डू नॉट लूज एनी इलेक्ट्रॉन, Do not lose any electron. But इसको देखिए ये जो है ना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। So now ये कितना लिए है 0.82 मोल है, तो means ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 0.82 लूज करेगा, 0.82 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट। तो अब हम लोग क्या देखें, ये टोटल कितना लिया गया था 1 मोल लिए थे, 1 मोल ऑफ दिस में एफी 3 प्लस इतना, एफी 2 प्लस इतना, ऑक्सीजन 1 मोल है, सो 1 मोल ऑफ दिस इज लूजिंग 0.82 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर कितना है, यही तो हमारा एन फैक्टर हो गया ना, सो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिकुलर मास ऑफ दिस जो m दिया हुआ है डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर मोल तो कितना है 0.82, तो हम लोग का इक्विवेलेंट वेट ये आएगा m बाय 0.82।